तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ। और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सन ऑफ सरदार 2 की। एक ऐसा अपडेट लेके आ चुका हूं आपके सामने जो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके मन के अंदर ये बातें आएंगी कि ओ पाजी, कभी हंस भी लिया करो मेरी वीडियो देखकर। दोस्तों, सन ऑफ सरदार 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सबके पास शेयर करें, क्योंकि भाई ये जो अपडेट है ना, शायद आपको कोई भी ना बता पाए। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि भाई साहब सन ऑफ सरदार की जो शूटिंग है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा तेज तरीके से चल रही है, जो कि भाई जल्दी से भाई मूवी को रिलीज़ करना, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों पता चल चुका है कि भाई सन ऑफ सरदार मूवी 2 का म्यूज़िक कंपोज़र कौन है, यानी कि भाई सन ऑफ सरदार 2 मूवी में कौन म्यूज़िक देने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम 2012 की सन ऑफ सरदार मूवी की बात करेंगे, जो कि भाई एक अपने ज़माने में एक बहुत बड़ी कॉमेडी मूवी थी। दोस्तों, मैंने भाई दोस्तों पहले मिनट से मूवी को देखा और भाई आखिर मिनट तक भाई साहब मेरी आंखें ऐसी की ऐसी नहीं हटी स्क्रीन से, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा 2012, यानी कि भाई इस मूवी का जो क्लेश हुआ था वो शाहरुख खान की मूवी जब तक है जान मूवी से हुआ था। दोस्तों, जब तक है जान मूवी के जो डायरेक्टर साहब हैं, यश राज फिल्म यानी कि यश राज जी का ध्यान तो किया था उस चक्कर में। दोस्तों, भाई जो मूवी का जो हाइप बना था जब तक जान का, वो अनबिलीवी बना था, यानी कि भाई मूवी तो हिट हो गई थी, लेकिन भाई सन ऑफ सरदार ने भी जब तक जान के सामने बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कलेक्शन करा था, यानी कि भाई बहुत बड़ी फिल्म हिट हो गई थी, यानी कि भाई हम इसे ब्लॉकबस्टर भी इसे बोल सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले भाई अश्विन डिर भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो बाकी इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें यार, दोस्तों मैं सबसे पहले सन ऑफ सरदार पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। अजय देवन, सनी दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और जूली चावला लीड रोल के अंदर थे। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो था 30 करोड़ रुपये। मूवी ने कमाए थे 161 करोड़ 48 लाख रुपये, यानी कि भाई 30 करोड़ बजट के साथ इस मूवी का जो कमाई थी 161 करोड़ रुपये, ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी उस ज़माने में। ये मूवी आई थी 13 नवंबर 2012 को, यानी कि भाई जब तक इंसान से बहुत बड़ा क्लेश हुआ था, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सन ऑफ सरदार 2 की बात करें, भाई साहब डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, विजय कुमार अरोड़ा इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। बाकी इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें, भाई अजय देवन, संजय दत्त, मुनुरल ठाकुर लीड रोल के अंदर हैं। ये मूवी 2025 9 मई को सिनेमाघरों में आएगी और तबाही मचाएगी। अब बात करते हैं भाई साहब कि भाई सन ऑफ सरदार 2 का म्यूज़िक कंपोज़र कौन है। दोस्तों, उनका नाम है हिट मेकर जानी। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं कि भाई सन ऑफ सरदार मूवी का जो म्यूज़िक कंपोज़र है हिट मेकर जानी, इस मूवी को कंपोज करेंगे, म्यूज़िक कंपोज करेंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सबका मानना है, दोस्तों मेकर्स का मानना है और डायरेक्टर का मानना है कि ये मूवी सबको हंसाएगी। और दोस्तों, इस मूवी के अंदर कई सारे सीन ऐसे होंगे जो कि आपको हार्ट टचिंग भी हो जाएंगे, यानी कि भाई मूवी बहुत बड़ी कॉमेडी मूवी होने वाली है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई पहला पार्ट सही बन जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट में दोस्तों भाई ओवर ओवर एक्टिंग करते हैं और ओवर एक्टिंग के साथ साथ भाई मूवी बहुत बुरी बन जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई सन ऑफ सरदार मूवी 2 अच्छी बनेगी और सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बाकी देखते हैं भाई ये मूवी आती है और कैसी होती है। बाकी आप सन ऑफ सरदार मूवी से कितना एक्साइटमेंट है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई साहब।